हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरी वन आई वेलकम यू ऑल एडूवर्स न्यूज़ एनालिसिस टूडेज ट्वेंटी नाइनथ अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इंपॉर्टेंट न्यूज इन आर्टिकल्स फ्राम द हिंदू न्यूज़ पेपर सो लेट सी वॉट इंपॉर्टेंट न्यूज़ वी गॉट टू डे टू डिस्कस बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो फॉर पी डी एफ जॉइंट टेलीग्राम चैनल एडूवर्स न्यूज़ एनालिसिस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके यहाँ पर कवर हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जनरल असेंबली है। okay, है, में आपका एक रेजोल्यूशन लाया जाता है उस रेजोल्यूशन का नाम क्या है अगर आप टाइटल यहाँ पर पढ़ेंगे प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस एंड अप होल्डिंग लीगल एंड ह्यूमिटेरियन ऑब्लिगेशन ये प्रपोजल आता है मतलब कि ये रेजोल्यूशन आता है इसमें यहाँ पर हम बात करते हैं टोटल फोर्टी कंट्रीज ने इन्हें स्पॉन्सर्ड किया था अरब लीग और फोर्टी कंट्रीज ने ये स्पॉन्सर्ड किया था कि जो आपका गाजा और इसराइल में यहाँ पर इस टाइम पे कंफ्लिक्ट चल रहा है उसके लिए वहां पर जो ह्यूमिनिटेरियन लॉस हो रहा है आपका और सिविलियंस के साथ जो है उनको प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करना है तो इसी के चलते इस रेजोल्यूशन को लेकर आया गया है इसमें हम देखते हैं तो ये फ्राइडे को पास होता है वन ट्वेंटी बोट्स इसमें वन ट्वेंटी कंट्रीज इसके फेवर में होती हैं फोर्टीन कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएसए यू के इसमें अगेंस्ट में है आपको ये बात याद रखनी है कि इसमें वन ट्वेंटी कंट्रीज ने क्या किया कि इसको फेवर किया है ओके यहाँ पर हम बात करते हैं फोर्टीन कंट्रीज इसके अगेंस्ट में है एंड फोर्टी फाइव कंट्रीज़ ने यहाँ पर अपना जो वोट है उसे अपस्ट्रेंथ करके रखा है इसमें आपका जो है इंडिया भी इंक्लूड होता है इंडिया ने अपना वोट यहाँ पर क्यों नहीं दिया है इसका रीज़न ये बताया जा रहा है कि इसराइल में जो सेवन्थ अक्टूबर को आपका आप मतलब कि अटैक हुआ था उस चीज़ को इस रेजोल्यूशन में एडअप नहीं किया गया है मतलब किस में ज्वाइन नहीं किया गया उसको ऐड नहीं किया गया है इसलिए यहाँ पर मतलब हमने क्या किया है अपने आप को एब्सटेन किया है फॉर द वोटिंग सो गवर्नमेंट सीज रेजोल्यूशन दैट कॉल फॉर द ट्रूस एंड सीज फायर इन गाजा डिड नॉट इंक्लूड एक्सप्लिड कंडमनेशन ऑफ द अक्टूबर सेवन टेरर अटैक इन इसराइल तो यहाँ पर इस रेजोल्यूशन में सेवन अक्टूबर को होने वाला इसराइल का जो अटैक था टेरर अटैक था उसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है इसलिए गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट ने इससे क्या किया है अपने आप को एब्सटेंड किया है आई होप आपको यहां पर क्लियर होगा नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 7.5 परसेंट डिप इन एक्टिव वर्कफोर्स अंडर मनरेगा स्टडी सीज यहां पर एक स्टडी सामने आई है और इस स्टडी के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है आपका कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम देखिए ये जो टॉपिक है आपका मनरेगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप इसे बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे किसी भी एग्जाम की अगर हम बात करते हैं क्योंकि आप यहाँ पर स्टार्टिंग से देखेंगे फ्रॉम द जनवरी आपको हर एक दो दिन बाद मनरेगा से रिलेटेड कोई ना कोई इशू या कोई ना कोई न्यूज आपको दिखाई देती है इसलिए मनरेगा इस टॉपिक को हमें बहुत ही अच्छे से एक एक फैक्ट्स को यहाँ पर क्या करना है अच्छे से प्रिपेयर करना है मनरेगा क्या है आपका महात्मा गांधी नेशनल रूरल इंप्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है ओके ये कब आता है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि इस स्कीम को कब इंट्रोड्यूस किया गया था और इसका मेन पर्पस क्या था इसको इंट्रोड्यूस करने का ओके okay, ये आपका मेनली कहा इंट्रोड्यूस किया गया था रूरल एरिया में इंट्रोड्यूस किया गया था कि रूरल एरिया में हमें क्या करना है एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना है इसके लिए हम क्या करते हैं यहां पर मनरेगा जैसे स्कीम लेकर आते हैं इससे क्या होगा इसके हमें कुछ बेनिफिट्स भी मिलेंगे बेनिफिट्स ये मिलेंगे जो आपका अर्बनाइजेशन बहुत ही तेजी से हो रहा था लोग रूरल रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ मूव कर रहे थे क्यों मूव कर रहे थे क्योंकि उन्हें काम नहीं मिल रहा था तो हमने ये सोचा कि अगर हम उनके ही एरिया में रूरल एरिया में ही काम उन्हें प्रोवाइड कर देते हैं तो क्या होगा क्या वो मूव करेंगे नहीं करेंगे और वो फाइनेंशियली भी क्या होंगे आपके कैपेबल होंगे साथ साथ उस एरिया का डेवलपमेंट भी होगा तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपका मनरेगा आता है आई होप आपको यहाँ पर क्लियर होगा अभी स्टडी क्या सामने आई है स्टडी की बात करते हैं तो ये कहा जा रहा है कि 7.5 पॉइंट फाइव परसेंट डिप इन एक्टिव वर्क मनरेगा के अंदर यहाँ पर जो एक्टिव वर्क फोर्स है उसमें सेवन पॉइंट हमें डिप देखने को मिल रहा है मतलब की कमी देखने को मिल रही पूरा यहाँ पर डेटा आता है आपका अप्रैल टू सेप्टेम्बर टू का इसमें यह बताया जा रहा है कि पहले हमारे पास जो वर्क था वो कितना था सॉरी फिफ्टी नाइन करोड़ और ये आपका डिप रिड्यूस कितना हो चुका है? हो चुका चुका है है करोड़ जो अभी हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास आता है ओके okay? अब देखिए यहाँ पर एक तरफ वर्क फोर्स आपका क्या हो रहा है कम हो रहा है ठीक है दूसरी तरफ यहाँ पर जिस आप दूसरे प्लेस पर देखेंगे जो डिमांड है काम की डिमांड है इस स्कीम के अंडर वो आपकी इंक्रीज हुई है आपको दो चीजें यहाँ पर समझनी है एक तो वर्क फोर्स आपका यहाँ पर डिप हो रहा है और दूसरी तरफ यहाँ पर जो काम की डिमांड है, वर्क की डिमांड है अंडर दिस स्कीम इस सो यू विलर इज एन इंक्रीज डिमांड फॉर वर्क अंडर द स्कीम द पोर शोज नाइन परसेंट राइज इन परसन डेज द टोटल नंबर ऑफ वर्क डेस्ट बाय अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द रूरल जॉब स्कीम इन अ फाइनेंशियल ईयर इन कंपैरिजन विद द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर का हम फाइनेंशियल ईयर देखते हैं प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर और इस साल का जो हमारा प्रेजेंट फाइनेंशियल फाइनेंशियल ईयर है इसको कंपेयर करते हैं तो हमें नाइन परसेंट क्या देखने को मिलता है राइस देखने को मिल रहा है तो इतना सा आपके लिए यहां पर यह अपडेट है आप इसके लिए अलग से नोट्स बना सकते हैं मनरेगा के लिए और इसमें जो भी अपडेट्स आती रहती हैं आप उन्हें एडप्ट करते जाए तो इस तरीके से क्या होगा आपका नोट भी प्रिपेयर हो जाएगा किस तरीके से हमें चीजें करनी वो भी आपको

ओके डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी किसके ऊपर लिमिटेशन लिमिटेशंस को कॉन्स्टिट्यूट करता है मतलब कि एक तरीके से आपकी जो पॉलिसीज हैं ये जो रूल्स हैं आपके डीपीएसपीज हैं वो किसके ऊपर लिमिटेशन रखता है लेजिसलेटिव फंक्शन पर लिमिटेशन आपका पोस्ट करता है या फिर एग्जीक्यूटिव फंक्शन पर ये लिमिटेशन को पोस् करता है आपके पास ऑप्शन है वन ओनली टू ओनली बोथ वन एंड टू एंड नीदर वन एंड नॉट टू तो इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा क्वेश्चन ये कह रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ओके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या है हमारे डीपीएसपी डीपीएसपी है आप सभी को पता है डीपीएसपी के बारे में ना दीज डीपीएसपी पॉज लिमिटेशन आप ऐस, ऐसा कह सकते हैं कि ये लिमिटेशन यहाँ पर आपके कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं किसके ऊपर लेजिस्लेटिव फंक्शन के ऊपर या फिर एग्जीक्यूटिव फंक्शन के ऊपर या दोनों के ऊपर या फिर दोनों में से किसी के ऊपर नहीं आपके ये ऑप्शंस हमने बता दिए तो आई होप आपको अभी क्वेश्चन क्लियर होगा नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है सो मेक श्योर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें देखिए दोनों क्वेश्चन जो आपके हैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर यूपीएससी के द्वारा पूछे गए क्यूज हैं तो आप लोग इंश्योर करें कि आप इन क्वेश्चंस का आंसर करें ओके सो द गांधी दिन पैक्ट इंक्लूडेड बाय ऑफ द फॉलोइंग हम किसकी बात कर रहे हैं पर गांधी पैक्ट की आप सभी ने गांधी पैक्ट के बारे में पढ़ा होगा अब गांधी एरविन पैक्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड थी ये हमें बताना है आपके पास यहाँ पर फोर स्टेटमेंट है ओके सो इन्विटेशन टू कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपका जो गांधी एरविन पैक्ट आता है उसमें हम क्या करते हैं कांग्रेस को क्या किया था इनविटेशन भेजा था फॉर द पार्टिसिपेशन इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ऑफ ऑर्डिनेंस इन कनेक्शन विद द सिविल मूवमेंट आपका यहाँ पर सिविल डिसोबिड मूवमेंट मूवमेंट होता है तो यहाँ पर एक ऑर्डिनेंस को प्रोमेगुलेट किया गया था कि हम क्या कर रहे हैं इस मूवमेंट को विद्रॉ कर रहे हैं थर्ड वन इज एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी जी सजेशन फॉर इंक्वायरी इन टू पुलिस एक्सेसिस तो यहाँ पर क्या है गांधी जी ने कुछ आ, पुलिस जो पुलिस एक्सेस हो रही थी उसकी इंक्वायरी के लिए यहाँ पर सजेशंस दिए गए थे तो उसको एक्सेप्ट किया गया था तो ये क्या गांधी एर पैक्ट में आपका इंक्लूड है या नहीं ये आप लोगों को बताना है फोर्थ वन इज रिलीज ऑफ ओनली प्रिजनर्स हु ओनलीस वोट चार्ज ओके तो यहाँ पर गांधी पैक्ट में ये चीज भी कही, कही गई है कि आ, यहाँ पर आपका क्या हुआ है कि रिलीज ऑफ प्रिजनर्स यहाँ पर उन प्रिजनर्स को क्या करना है रिलीज करना है जिनके ऊपर कोई भी वॉलेंस का चार्ज नहीं है तो इसमें से कितने स्टेटमेंट आपके करेक्ट है कितने स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट है लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन वीडियो के एंड में आपको दोनों क्वेश्चन के आंसर दिए जाएंगे सो मेक श्योर आप वीडियो को लास्ट तक देखें ओके okay? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ सो so हमारा आज का नेक्स्ट आर्टिकल है डब्ल्यू एच ओ साउथ ईस्ट एशिया मेंबर्स टू मीट

तो यहाँ पे कुछ नॉमिनीज़ के नेम है ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आ, अभी हम क्या करेंगे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं स्पेशली इन एशियन कंट्रीज ओके जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ है और जो ट्रॉपिकल डिसीज़ है ये क्या हो रहा है आपका धीरे धीरे नेग्लेक्ट हो रहा है तो इनको हमें फोकस में लाना है और इसमें हम क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया जाएगा फर्दर हम देखते हैं इसमें हमारे लिए क्या अपडेट निकल कर आती है नेक्स्ट मूव करते हैं सो नेक्स्ट आर्टिकल इज देयर इज नो सेफ प्लेस इन गाजा देयर इज नो वे आउट सेज यूएन अब यूएन यहां पर आप सभी को पता है कि अब तक इजराइल के द्वारा तो जो स्ट्राइक किए गए हैं उसमें से 7703 अभी तो ये हमारे पास एक डेटा आ रहा है मे भी ये जो नंबर है इससे भी ज्यादा हो सकता है हमें नहीं पता कि एक्यूरेट नंबर यहाँ पर कितना है ठीक है तो मतलब देखिए आप ये जो नंबर है आपका एट थाउजेंड तक पहुंचने वाला है तो इतने सारे सिविलियंस के यहाँ पर क्या हो चुकी है जान जा चुकी है इस आठ में आपके थर्टी से ज्यादा थर्टी तो बच्चे ही हैं ओके

ओके okay, अब ये यहाँ पर कब तक ये कन्फ्लिक्ट कंटिन्यू रहता है सबसे ज्यादा नुकसान आपको आप सभी को पता है कि दो जब पार्टी किसी भी कन्फ्लिक्ट में आती है वॉर होता है तो सबसे ज्यादा जो आपका नुकसान होता है वो सिविलियंस को होता है वहां की जो वेमेन है उनको होता है और चिल्ड्रन सबसे ज़्यादा क्या होते हैं वलरेबल होते हैं पहला आपका ये इशू चल रहा है इसराइली इसराइल और गाजा का सेकंड आप जैसे रशिया और यूक्रेन का देख सकते हैं तो यहाँ पर कितना ज़्यादा ह्यूमेटेरियन लॉस हो रहा है हम एक तरफ पीस की बात करते हैं और दूसरे साइड इस टाइम पर जो आपका ग्लोबल आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म uh, पर देखेंगे तो इस तरीके के वर्ड्स यहाँ पर चल रहे हैं तो आप कुछ भी प्रोडक्ट नहीं कर सकते कि फ्यूचर में क्या होने वाला है ओके नेक्स्ट मूव करते हैं सो so, अब हम आते हैं साइंस सेक्शन में ये हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर कुछ साइंस रिलेटेड हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकल कर आते हैं पहला आर्टिकल है आपका स्टडीज प्रोवाइड इन साइट इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मार्स यहाँ पर एक स्टडी हुई है और उस स्टडी से हमें मार्स का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में कुछ इनसाइट्स मिले हैं कैसे इनसाइट्स मिले हैं सो so, ये जैसे मार्स है, आप पता है अर्थ है यहाँ पर तीन लेयर होती है आपकी अर्थ की इसी तरीके से जो मार्स का कोर ले जा रहा है इसमें आपका लिक्विड आयरन है मार्स का जो कोर है क्या है आपका लिक्विड आयरन ओके नाउ दिस कोर इज सराउंडेड बाय अ फुली मोल्टेन सिलिकेट लेयर ये जो आपकी कोर है ना वो किससे यहाँ पर सराउंडेड है सिलिकेट लेयर से यहाँ पर सराउंडेड है तो ये यहाँ पर मतलब अभी इतनी स्टडी निकल कर आई है इसमें मेनली जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए गए थे सिस्मिक एक्सपेरिमेंट फॉर इंटीरियर स्ट्रक्चर इस, इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया गया था जिसके थ्रू हमें यहाँ पर जो मार्स का इंटीरियर है उसके द्वारा यहाँ पर पता चला मतलब कि सिस्मिक वेग पास की गई फॉर एग्जाम्पल ये आपका मार्स है अब यहाँ पर हम कैसे पता चलते हैं हमने अर्थ का भी स्ट्रक्चर पढ़ा है आप लोगों ने जोग्राफी यहाँ पर पढ़ी होगी तो अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको हम कैसे स्टडी करते हैं यहाँ पर जो आपकी सिस्मिक वेव्स होती हैं उसको हम ट्रांसफर करते हैं और वो वेव्स यहाँ पर कैसे दूसरी तरफ से निकल कर आ रही हैं उस बेसिस पर हम क्या पता करते हैं कि यहाँ पर आपका सॉलिड है लिक्विड है या फिर गैस है ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं इसी तरीके से मार्स में भी ये एक्सपेरिमेंट किया गया आई मीन ऐसा में वेक पास की गई जिससे हमें ये पता चला कि जो कोर है कोर के पास एक हमें लेयर मिलती है मोल्टन सिलिकेट लेयर यहाँ पर दिखाई देती है ओके सो मेजरमेंट एनालिसिस यहां पर सारी चीजें की गई प्रोजेक्ट इन 2021 सजेस्टेड दैट द प्रेजेंस ऑफ लार्ज बट लो डेंसिटी कोर यहाँ पर यह कहा गया है कि आपका जो एक लार्ज मतलब कि आपका क्या है डेंसिटी है बट उसका जो कोर है वो उसकी डेंसिटी लो है कोर जो है आपका वो बड़ा है बट उसकी जो डेंसिटी है वो कैसे है आ, इसमें मेनली जो आपका कोर है उसमें क्या क्या चीजें आपके आयन है सल्फर है कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है ओके सो so, इतना ही अभी हमारे लिए नेक्स्ट मूव करते हैं आई आई टी एम पुणे डेमोन्स्ट्रेट क्लाउड सीडिंग कैन प्रोड्यूस रेनफॉल आप लोगों ने क्लाउड सीडिंग के बारे में पता पढ़ाई होगा क्लाउड सीडिंग क्या है क्लाउड सीडिंग मतलब कि यहाँ पर जो कैल्शियम क्लोराइड होता है इसका हम यूज करते हैं उसका हम यूज करते हैं एज अ बेस और इससे क्या होता है क्लाउड्स फॉर्म होते हैं और आपकी आर्टिफिशियल रेन को क्रिएट करते हैं क्या करते हैं आप आर्टिफिशियल hmm? रेन को क्रिएट करने के लिए यह क्लाउड सीडिंग की जाती है सो so, अभी यहां पर हम देखेंगे क्लाउड सीडिंग एक्सपेरिमेंट वैरिड आउट इन सोलापुर सिटी टू से वहां पर बहुत ही कम बारिश हुई थी एक्सपेरिमेंट से हमें ये जब हमने क्लाउड सीडिंग की सोलापुर सिटी में तो हमें क्या देखने को मिलता है कि एटीन परसेंट इंक्रीज देखने को मिलता है इन रेनफॉल एप्रोक्सीमेटली कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वाटर थ्रू क्लाउड सीडिंग वॉज एटीन पैसा पर लीटर मतलब यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो वाटर प्रोड्यूस हुआ है क्लाउड सीडिंग के थ्रू तो हमने क्या किया 80 पैसा मतलब 18 पैसे पर लीटर के हिसाब से यहां पर आपका जो वाटर है है वो प्रोड्यूस हुआ सो द कॉस्ट कैन ड्रॉप बाय 50 परसेंट इफ इंडिजीनियस सीडिंग एयरक्राफ्ट आर तो उन्होंने ये कहा कि अगर हम हमारे इंडिजीनियस सीडिंग एयरक्राफ्ट का यूज करते हैं तो जो फिफ्टी जो हमारा कॉस्ट है वो क्या होगा आपका कम होगा ठीक है सो क्लाउड सीडिंग क्या है इसकी आप डेफिनेशन देख लीजिए कैल्शियम क्लोराइड फ्लेयर वॉज यूज फॉर सीडिंग द द सीडिंग वॉज डन एट द बेस ऑफ दॉन्ग कन्वेक्शन क्लाउड एंड एट अ टाइम वेन द क्लाउड वर ग्रोइंग तो जब क्लाउड क्लाउड जो होते हैं आपके ग्रो कर रहे थे उसी टाइप पे जो कैल्शियम क्लोराइड है उसकी यहाँ पे सीडिंग्स की गई इससे जो आपके जो क्लाउड सीडिंग है यहाँ पर इससे क्या होता है बादल बन जाते हैं और आपकी आर्टिफिशियल यहाँ पर रेन होती है बारिश होने लगती है लेकिन देखिए ये क्लाउड सीडिंग जहाँ पर हमें इसके फ़ायदे मिल रहे हैं वहीं पर इसके नुकसान भी होते हैं ठीक है हर एक चीज़ यहाँ पर प्रॉपर नहीं होती है अगर हम इस तरीके की आर्टिफिशियल इंटर आर्टिफिशियल रेनफॉल का यूज़ करते हैं तो इसके हमें जो डिसएडवांटेजेस हैं वो भी फेस करने पड़ सकते हैं सो द वर्क, द वर्क प्रोवाइड एलोब्रेट प्रोटोकॉल्स एंड टेक्निकल गाइडेंस टू प्लान एंड कंडक्ट क्लाउड सीडिंग इन इंडिया तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा प्रॉपर प्रोटोकॉल्स और टेक्निकल जो गाइड गाइड्स गाइडेंस हैं ना प्लान और कंडक्ट क्लाउड सीडिंग का इंडिया में इससे पहले हम हमें सारी चीज़ों को देखना होगा और उसके बाद हमें इस तरीके के स्टेप्स लेने होंगे ओके नेक्स्ट मूव करते हैं सो नेक्स्ट आर्टिकल इज हाउ मच सॉल्ट शुड यू टेक एवरी डे अब बात आती है किसकी सॉल्ट की अगर हम डब्ल्यू एच ओ के द्वारा देखते हैं तो डब्ल्यू एच ओ रिकमेंड करता है यहाँ पर कि हर दिन हमारी डाइट में फाइव ग्राम ऑफ कितना होना चाहिए सॉल्ट होना चाहिए कितना 5 ग्राम लेकिन हम इंडियंस का देखते हैं तो हमारी प्लेट में यहाँ पर 8.9 पॉइंट ग्राम क्या होता है आपका सॉल्ट होता है जिस तरीके से आप सभी को पता है कि सॉल्ट हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा नीडेड है लेकिन इसका जब हम एक्सेस में यूज करते हैं तो इट आ, ये क्या हो जाता है हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है इट बिकम्स हार्मफुल ओके इस तरीके से हम हाँ फुल अगर हम सॉल्ट का इंटेक ज्यादा करते हैं तो आपको इससे कार्डियोवास्कुलर डिसीज होती हैं किडनी जो किडनी की डिसीज होती हैं ब्रेन वेस्कोकल्चुलर इम्यून सिस्टम इन सारी प्रॉब्लम्स पर मतलब कि क्या होती है हाई अगर हम हमारा सॉल्ट इनटेक हाई होता है तो हमें यहाँ पर प्रॉब्लम्स होती हैं ओके आई होप अपना क्लियर होगा किडनी के साथ साथ इसमें क्या होता है जो ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है हमारी जो बोन्स होती वो खोखली होने लगती हैं ज्यादा अगर हम सॉल्ट का यूज करते हैं लेकिन इसमें देखिए दो चीजें आ जाती हैं कुछ लोगों को यहाँ पे सॉल्ट की जरूरत होती है तो वो हमें डॉक्टर से क्या करना चाहिए कंसर्न करना चाहिए? चाहिए, चाहिए, चाहिए जैसे कि जो ओल्डर पीपल होते हैं एल्डरली पीपल होते हैं तो उन्हें यहाँ पर जैसे डिहाइड्रेशन ये सारी चीजें होती हैं तो उन्हें सॉल्ट का इंटेक ज्यादा लेना होता है मतलब सॉल्ट उनके डाइट में ज्यादा होना चाहिए बट कितना होना चाहिए दिस शुड कंसर्न फ्रॉम द डॉक्टर ये डॉक्टर से कंसर्न करके फिर हमें करना चाहिए तो ये कहा जा रहा है आ, सबसे बड़ा जो सोल्ट का इंटेक अगर हम लेते हैं तो इससे जो ओबिसिटी है वो भी हमारी इंक्रीज होती है ओके okay? सो so, जो हमारे वाइटल फंक्शंस है लाइक वाइटल फंक्शन एक्सेसिव सॉल्ट इंटेक कैन लीड टू हेल्थ प्रॉब्लम सजेस हाई ब्लड प्रेशर हार्ट डिसीज अगर हम सॉल्ट का इंटेक ज्यादा करते हैं तो आपके जो ब्लड प्रेशर है आपकी कार्डियोवस्कुलर डिसीज है ये सारी चीजें क्या हो जाती है आपकी हाई हो जाती है आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है ओके okay? मेनली यहां पर सबसे बड़ा आपको अगर हम हमारी खाने में सॉल्ट का इंटेक कम कर देते हैं लेकिन हम प्रोसेस्ड फूड क्या क्या करते हैं बहुत ज्यादा कंजप्शन आज के टाइम पर करते हैं जैसे कि आपके जो चिप्स आते हैं है ना कुरकुरे आते हैं और जितने भी पर जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं तो उन्हें कंजर्व करने के लिए उसमें सॉल्ट का यूज किया जाता है क्योंकि उन्हें हमें क्या करना है कंजर्व करना है और जो स्पेशली हम चाइल्डहुड में जो ये के, के केसेस आ रहे हैं यंग इंडियंस में जो हिडन सॉल्ट का हम यूज करते हैं इन अ प्रोसेस फूड ये सबसे बड़ा क्या बनता जा रहा है हमारे लिए रीजन बनता जा रहा है हाई सॉल्ट क्या करता है

एडिपोसाइट्स इसका काम क्या होता है ये आ, हमारी बॉडी में अगर हम सॉल्ट का इंटेक ज्यादा करते हैं तो इनका जो नंबर होता है हमारी बॉडी में इंक्रीज होता है इनका जो साइज होता है वो इंक्रीज होता है अगर इसका साइज इंक्रीज होता है तो इससे क्या होता है इनका मेन काम ये होता है कि ये हमारी बॉडी में एनर्जी को स्टोर करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ फैट किस फॉर्म में फैट के फॉर्म में इंक्रीज करते हैं तो अगर आप ज्यादा यहाँ पर चिप्स एंड ये जितने भी प्रोसेस फूड हैं इसका कंजप्शन ज्यादा करते हैं तो इसका जो आपके एडियो एडिपोसाइड्स हैं इनका जो साइज है वो इंक्रीज होगा साइज इंक्रीज हुआ तो एनर्जी के लिए वो क्या करते हैं फैट्स का यहां पर कंजप्शन इसीलिए जो आपकी बॉडी में होता है फैट यहां पर जमने लगता है और आप यहां पर आपको ओबिसिटी यहां पर हो जाती है ओके तो हमें यहाँ पर डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए और फाइव ग्राम से फाइव ग्राम से ज्यादा यहाँ पर हमारी जो प्लेट होती है उसमें सॉल्ट नहीं होना चाहिए ओके सो आई होप आपको ये यह आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा नाउ यहाँ पर हमारे कुछ आप शॉर्ट्स आ जाते हैं इसके बारे में हम देखते हैं वाइल्ड चिंपैनजीज शोज एविडेंस फॉर मैनो पॉज आप लोगों को पता होगा व्हाट इज मैनो पॉज आप सभी को पता होगा इन द सेंस कि फीमेल्स में स्पेशली हम देखते हैं जो आपके uh, साइकल होती है जब साइकल यहाँ पर स्टॉप होती है उसे हम मैन कहते हैं ओके आई होप आपको इतना क्लियर हुआ सो so, ये यहाँ पर एक स्टडी सामने आई है एविडेंस सामने आया है कि जैसे कि ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स में वुमेन का जब मैंस्ट्रोल साइकिल स्टॉप हो जाता है उसके बाद भी वो सर्वाइव करती हैं है ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब वर्क नहीं करता स्टिल शी मतलब कि वो सर्वाइव करते हैं इसी तरीके से एक रिसर्च सामने आई है कि जो टूथ वेल्ड होती हैं टूथ वेल्स हैं आपकी और ये जो चिंपेजीज हैं ये जब अपनी रिप्रोडक्टिव uh, एबिलिटी को लॉस कर देते हैं उसके बाद भी एक एक्टिव लाइफ मैनी ईयर्स तक क्या करते हैं ये जीते हैं मतलब कि सालों साल तक आफ्टर लूजिंग देयर रिप्रोडक्टिव एबिलिटी दे लिव फॉर अ मैनी लॉन्ग ईयर्स तो ये यहाँ पर एक आपकी स्टडी सामने आई है तो यहाँ पर एविडेंस मिला है किससे चिंपाजी से चिम्पैंजी से ये एविडेंस मिला है कि उसकी जो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी थी वो यहाँ पर वो लॉस कर जु, कर चुके थे बट उसके बाद भी हमें क्या दिखाई देता है कि वो एक अच्छी लाइफ यहाँ पर क्या कर रहे थे यहाँ पर जी रहे थे लिव कर रहे थे तो यही कहा जा रहा है कि ये जो है सारी चीजें वो क्या हुए मैमल्स में हमारे आपके एवोल्यूशन हम यहाँ पर एक एवोल्यूशन का हमें क्या मिलता है इनसाइड देखने को मिलता है जो हमें ह्यूमन बींगस में भी देखने को मिलता है ओके नेक्स्ट है पाथवे ड्राइविंग आर आई आर आई इंजरी डेमेंस्टिफाइट सो यहां पर क्या होता है कि लंग ट्रांसप्लांटेशन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा सो लंग ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है एक लाइफ सेविंग आपकी आ, हम कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ा आपका लाइफ सेविंग प्रोसेस है जब हम यहाँ पर लंग्स को ट्रांसप्लांट करते हैं स्पेशली फॉर पेशेंट्स और यहाँ पर जिस तरीके से ये हमारे लाइफ सेविंग बनता जा रहा है उसी तरीके से ये जो ऑर्गन्स का फेलियर है वो उसका जो नंबर है वो भी उसका जो रेट है आप एक तरीके से कह सकते हैं वो भी आपका बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है हाई हो रहा है आई होप इतना क्लियर हुआ कि नंबर्स जो आपकी ऑर्गन फेलियर्स हो रहे हैं उसका जो रेट है वो यहाँ पर कंटिन्यू हो रहा है सो so यहाँ पर एक डिस्कवरी आई है कि नाउ रिसर्चर्स हैज डिस्कवर आ मैकेनिज्म दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू स्केमिया रेपर फ्यूजन इंजरी इन द लंग्स यहाँ पर लंग्स में जो आपका आय इंजरी होती है इसको हम क्या करेंगे इसके लिए एक मैकेनिज्म लेकर आए हैं जिससे कि हम क्या कर सकते हैं जो इसके पुअर आउटकम्स हैं और जो ट्रांसप्लांट रेसिपेंट्स हैं इसमें हम लीड कर सकते हैं और उनको ठीक कर सकते हैं ठीक है तो ये आपका यहां पर रिसर्च की गई है नेक्स्ट मूव करते हैं रोल ऑफ माइक्रोबायोमी इन शेपिंग डायबिटीज वन सॉरी शेपिंग टाइप वन डायबिटीज अब यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं माइक्रोबायोम की सो पर्सिंग डेटा फ्रॉम द क्लिनिकल ट्रायल आउट है गट इंपैक्ट हाउ पीपल रिस्पॉन्स टू टैपली जुम्बा एंड डिले ऑनसेट ऑफ टाइप वन डायबिटीज तो यहाँ पर क्या हुआ है कि हम कुछ गट माइक्रोबायोमिक को लेकर आए हैं अगर हम इसका यूज़ करते हैं जैसे कि आप हम ड्रग्स का यूज करते हैं कौन से ड्रग का यूज करते हैं टाइप वन डायबिटीज में स्पेशली हम टेपली uh, हम जुबाब का यूज़ करते हैं तो अगर हम यहां पर क्या करते हैं जो आपकी गट माइक्रोबीज है इसका हम यूज करते हैं तो ये जो डिसीज है मतलब की जो ड्रग मतलब डिस ड्रग के कारण डिसीज में इफ, उसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो डिले होते हैं तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है इसके जो रिजल्ट है इम्यून सिस्टम जो रिलेशनशिप है इस माइक्रोबी के साथ वो हमें एक अच्छा प्रोग्रेशन यहां पर दिखाई दे रहा है ओके नेक्स्ट मूव करते हैं सो नेक्स्ट आर्टिकल है वाई विल पुलिस स्टेशन इंस्टॉल डी एन ए सिस्टम हम यहाँ पर डी एन ए सिस्टम की बात करें कि पुलिस स्टेशन में आप क्या करना चाहिए सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहिए आप सभी को पता है यहाँ पर हमारा एक्ट होता है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट सी जिसे हम कहते हैं सीआरपीआई पास हुआ था आपका पार्लियामेंट में इन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ये पहले आपका हमारा ब्रिटिश एरा का एक एक्ट था जिसका नाम था हम यहाँ पर देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट नाइनटीन टवेंटी जिसे रिप्लेस करके हमारा क्या आता है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट यहाँ पर पास होता है है। ये एक्ट आपका पास हो चुका है बट स्टिल इट इज नॉट अभी तक इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है फुली और इसको इसमें मेन है कि जितने भी पुलिस स्टेशन है जितने भी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो यहाँ पर क्या करेंगे फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल्स ऑफ दी प्रिजनर्स इंक्लूडिंग रेटिना एंड आर स्कैनर यहाँ पर क्या होगा आपका इंक्लूड किया जाएगा क्लियर हुआ आपको इतना कि मतलब यहाँ पर इस एक्ट में ये कहा गया है कि जो भी ब्रश्नर है उनका फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल्स से यहाँ पर एनालाइज किया जाएगा और इस बायोलॉजिकल और फिजिकल सैंपल में उनका रेटिना और आयरिस को भी स्कैन किया जाएगा जो भी यहाँ पर अरेस्टेड पर्सन होगा अभी से यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर एक ये कहा जा रहा है कि जो डीएनए सैंपल्स से हैं और फेस मैचिंग जो प्रोसीजर है इन सारी चीजों को भी यहाँ पर क्या होगा आपका इंक्लूड किया जाएगा तो प्लान टू इंक्लूड डीएनए सैंपल एंड फेशियल रिकोग technology have raised question about the protection of data तो यहां पर क्वेश्चन क्या उठ रहा है प्रॉब्लम कहाँ आ रही है इसको इम्प्लीमेंट तो कर, इस कौन करेगा तो इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इंप्लीमेंट करेगा दिस इज अ नोडल एजेंसी जो कि गाइडलाइंस यहाँ पर प्रिपेयर करती है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू एनसीआरबी के बारे में बात कर लेते हैं कि किसके द्वारा ऑपरेट होता आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम स जो हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसके अंडर यहाँ पर एनसीआर आपकी ऑपरेट होती है आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू अब इसमें यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है प्रॉब्लम यहाँ पर ये यह आ रही है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आ, ये जो आपका डीएनए सिस्टम है है ना जब ये बिल यहां पर चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं जब पार्लियामेंट में इस बिल को लेकर आया गया था तो इसमें डिबेट हो रही थी कि ये क्या करता है हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं स्पेशली राइट टू प्राइवेसी इसको यहां पर क्या कर रहा है वॉलेट कर रहा है पहली चीज तो ये ओके दूसरा यहाँ पर क्या कंसर्न है दूसरा कंसर्न ये है कि आ, इसमें हमारे पास इतने सारे प्रिजनर्स आते हैं ठीक है थीके? इतने सारे प्रिजनर्स हैं बहुत सारे लोगों को हमें अरेस्ट करना पड़ता है सबका हम यहाँ पर डेटा कलेक्ट करते रहेंगे तो ये हमारे लिए थोड़ा सा क्या हो जाएगा प्रॉब्लम आ जाएगा कुछ लोगों को यहाँ पर क्या जैसे कि हमारे पास कुछ रूल्स हैं लाइक पर्सन डिटेन और अरेस्टेड अंडर प्रोहिबिट्री और प्रिवेंशन सेक्शन ऑफ लॉ आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड यहाँ पर वो आपके हम कह सकते हैं प्रिजनर्स जो कि अरेस्ट हुए डिटेन हुए अंडर द प्रोहिबिट्री एंड प्रिवेंशन सेक्शन ऑफ लॉ है ना तो वो उनका डेटा हम रिकॉर्ड यहां पर उसके बारे में कुछ ऑफिसर्स को पहली बार तो अवेयरनेस नहीं होती है सो प्रोहिबिट्री एंड प्रिवेंटिव सेक्शन दैट आर क्लब विद अदर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस द मेजरमेंट विल नॉट बी स्टोर इन द सिस्टम तो अगर यहां पर जो प्रोहिबिट्री और प्रिवेंशन सेक्शंस हैं और वो उनके साथ कुछ सीरियस क्रिमिनल चार्जेस भी हैं तो उसको हम एक साथ क्लब नहीं कर सकते हैं और उनका डेटा एक साथ स्टोर हम नहीं कर सकते हैं ये चीज इसमें आई यहां पर क्या होगा ये डेटा बेस का बहुत बड़ा जो डिस्पोजल होगा उसमें डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिल सकता है कि डेटी जो डेटा है आपका उसका उसकी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा ये चीज़ आ जाती है दूसरा यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जैसे कि हम लॉ सेंटर की बात करते हैं जो सॉफ्टवेयर है फ्रीडम लॉ सेंटर है हमारे पास पहली बात तो इतना ज़्यादा ट्रेन फोर्स uh, नहीं है ट्रेन uh, जो वर्क फोर्स है वो नहीं है जो कि जो डी ए सैम्पल्स से है उसको कलेक्ट कर सके पहली चीज तो ये दूसरे यहाँ पर जो अलग अलग पुलिस स्टेशन में क्या होता है अलग अलग चीज़ें होती हैं वहां पर अलग अलग क्या होते हैं सैम्पल्स को कलेक्ट करने का प्रोविजन होता है क्योंकि पहले क्या था फिंगर प्रिंट्स और जो फेशियल रिकॉग्निशन है आपका जो फोटो है वो सारी चीज़ें ली जाती थी तो ये तो ईजिली हो जाता है लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास जो नोडल एजेंसी की हम बात करते हैं हमारे पास पूरा एक सेंट्रल सिस्टम वन सिस्टम एक सिस्टम ही नहीं है जिसके थ्रू हम क्या कर सके जितने भी हमारे uh, इंडिया में पुलिस स्टेशन पुलिस से वहां से डेटा कलेक्ट हो हर जैसे कि आप नॉर्थ ईस्ट की बात कर लीजिए है ना सो देखिए नॉर्थ ईस्ट में अगर हम बात करते हैं सेट कनेक्टिविटी इज अज प्रॉब्लम वहां पर कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कुछ वो आ, यहाँ पर छोटे छोटे स्टेट्स हैं उनकी यहाँ पर इंटरनेट लीज लाइन्स जो है छोटी छोटी रिक्वायरमेंट यहाँ पर अभी तक फुलफिल नहीं हो पा रही हैं तो जो डीएनए टेस्टिंग है मतलब कि आपका जो डीएनए डेटा जो सिस्टम है इसको आप इंस्टॉल करते हैं तो आप ये क्या इंश्योर कर सकते हैं कि इट विल वर्क प्रॉपरली ओके सो ये कुछ चैलेंजेस है इसके साथ अब फर्दर हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पर इंप्लीमेंट होता है सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू तो देखिए न्यूज और आर्टिकल्स तो यहीं तक थे जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज थी वो हमने डिस्कस कर ली आई होप एवरी वन सबको यहाँ पर सारी चीजें क्लियर होंगी अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन था विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशन अपॉन तो इसमें आपका राइट right ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन डी ये ना तो लेजिस्लेटिव फंक्शन को लिमिटेड करता है ना ही एग्जीक्यूटिव फंक्शन को लिमिटेड उसमें लिमिटेशन लिमिटेशन प्रोवाइड करता करता है constitute करता है कॉन्स्टिट्यूट सो हियर यू विल सी एक्सप्लेनेशन ऑफ डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी द डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी आर द गाइडलाइंस गिवन टू स्टेट टू अचीव सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द इंडिया तो ये क्या है आपके कुछ स्टेट को आपके क्या दिए गए गाइडलाइंस दी गई हैं कि स्टेट को सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कंट्री में किस तरीके से अचीव करना है तो ये जो आपके लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन स्टेट के उसमें कोई भी लिमिटेशन को इम्पोज नहीं करता है आई होप दिस वन इज क्लियर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन द द गांधी पैक्ट इंक्लूडेड ऑफ फॉलोइंग सो योर करेक्ट आंसर इज बी यहां पर 1, 2, and 4, आपका करेक्ट हो जाता है यहाँ पर इन्विटेशन दिया जाता है कांग्रेस टू टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर जितने भी आ, आपका जो सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट होता है तो उसमें जो भी कनेक्शन होता है तो उसके लिए यहाँ पर ऑर्डिनेंस को प्रोमोगेट किया जाता है फॉर द विड्रॉल ऑफ दिस मूवमेंट थर्ड वन इज इन करेक्ट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता फोर्थ वन इज जो भी प्रिजनर्स के ऊपर यहां पर चार्ज नहीं है वॉल्स का उन्हें हम क्या करेंगे रिलीज करेंगे सो so, इसमें आपके करेक्ट ऑप्शन क्या क्या हो गए वन टू एंड फोर ये तीन स्टेटमेंट आपके यहाँ पर करेक्ट है सो योर राइट आंसर इज बी आई होप दिस वन इज क्लियर तो आई होप मैं उम्मीद करती हूं आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी अगर स्टिल आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा अगर वीडियो आपको पसंद है तो आप वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें सो so, आज के लिए इतना ही थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन